बहुत शुक्रिया जी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आरजू जी थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता आपके शो पे आके, काफी प्रोडक्टिव डिस्कशन होता हमारा। तो रीजन ये है, आपने आज एक बहुत ही मुफीद सवाल पूछा कि आरएसएस है क्या, ऑप्शन है क्या, इसका रिलेशन क्या है। देखिए आरएसएस का, अब आरएसएस तब से एग्जिस्टेंस में जब से इंडिया और पाकिस्तान भी अलग अलग नहीं हुए थे, 95 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है। ठीक है मैडम, आरएसएस में कई सारे, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हम जानते हैं, एक लेडीज विंग भी है, राष्ट्रीय सेवा समिति, एक किसानों का मोर्चा, एक मजदूरों का मोर्चा है, एक सेवा भारती है। आरएसएस मैडम 156 कंट्रीज में डायरेक्टली और थ्रू इट्स एफिलिएट्स प्रेजेंट है, और ये करीब अब 70-75 साल से प्रेजेंट है, जिसमें केनिया आता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज, सिंगापुर, ये सब आती है। तो अगर पहला नोशन जो यहाँ बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए, अगर ये इंतहा पसंद या एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती सो कॉल्ड, तो मुझे बताइए, चलिए मोदी जी का राज आया तो 7 साल हुए हैं, ये आजादी से पहले से अब तक यहाँ सर्वाइव कैसे करती, यहाँ सर्वाइव करते चलिए इंडिया है, ये जो 156 कंट्रियों में सर्वाइव कर रही, वहां की भी इंटेलिजेंस है, वहां की भी गवर्नमेंट है, वो इनको कैसे सर्वाइव करने दे रहे हैं? ये किसी जंगल में टेंट लगा के तो बैठे नहीं है जी, सेटेलाइट से ढूंढने पड़ेंगे, पूरा बिल्डिंग है, गवर्नमेंट अलोकेटेड लैंड है, परमिशन है, मिशन है, और जाहिर सी बात है विदेशी कंट्री में रहेंगे तो उनकी इंटेलिजेंस की, उनकी पुलिस की आप नजर आती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन 1995 मतलब करीब 95 साल से चल रही है, जो 156 कंट्रियों में है, जिसका हर तरह का मोर्चा, और एक आरएसएस में एक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी है जिसमें 99% पार्टिसिपेंट मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम भी, कुछ बाहर के मुस्लिम भी है, और उनमें से कुछ लोग चुनके बीजेपी में आते हैं। बीजेपी इज द पोलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस, पोलिटिकल जो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए पोलिटिकल विंग बनाएगी जिसका नाम बीजेपी है। बीजेपी में आप देखिए जिलानी साहब आते हैं, गुलरे शेख आते हैं, ये मुस्लिम मोर्चा से आते हैं, ये आजकल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आरएसएस है ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी दो तीन विशेषताएं हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। इसकी स्थापना तब हुई थी मैडम, ना हिंदुस्तान था, ना पाकिस्तान, ना हम आजाद थे, तो ये हिंदू आतंकवादी ये सब तो तब मसला ही नहीं था, तो ब्रिटिशों का रूल था। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो भी शामिल होना चाहता है, मेल हो फीमेल हो, एज अ वॉलंटियर शामिल होगा। सबसे पहली बात, इसके वॉलंटियर की एक खासियत है आरजू जी, इसको कोई पॉलिटिकल पद की आवश्यक जरूरत नहीं है, ये पैसे भी अपने लगाते हैं। आरएसएस किसी से डोनेशन नहीं लेता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी से डोनेशन नहीं लेता, कॉर्पोरेट से, गवर्नमेंट से, इंडिविजुअल से। जो इसके मेंबर होते हैं, साल में एक दिन होता गुरु पूर्णिमा का, जिसमें आप जाके जो आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, आप एक बार एक डोनेट करते हैं, बस वही डोनेशन पे चलता है। इसमें एक धारणा ये भी है कि आरएसएस इज अ मेल ऑर्गेनाइजेशन, मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो राष्ट्रीय सेवा समिति, इट्स 101% फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मेंबरशिप ऑलमोस्ट मेल के बराबर है। आरएसएस की करीब, अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, करीब अभी 57,000 शाखाएं हैं जो इंडिया में चलती है, और जो बाहर चलती है वो अलग है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 156 कंट्रीज में एज ऑन डेट दे आर प्रेजेंट एंड ऑपरेटिंग विद ड्यू परमिशन, ड्यू सर्वेलेंस ऑफ कोर्स एंड विद ड्यू प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क। तो ये जो धारणा बनाई गई है ये सब गलत है, और इसको अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बीजेपी के 8 करोड़ मेंबर है आज के डेट में, 8 करोड़, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की बीजेपी है, ठीक है जी। अब बीजेपी के 8 करोड़ तो डायरेक्ट मेंबर होंगे, अगर आप आरएसएस का कार्डर जोड़ दें, अब ये किसान मोर्चा, सेवा भारती, आप ये जोड़े जी मजदूर मोर्चे, ऐसे कई सारे मोर्चे, मुस्लिम मोर्चे, कई सारे इन मोर्चों को जोड़ ले, तो ये कार्डर बनके, ये जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं जिनको मैं बोलूंगा, ये बनके 40-50 करोड़ के आसपास का नंबर होगा। मुझे नहीं पता कितना, ये मेरा अनुमान है, एक अंदाजा है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस को आजकल 8 करोड़ तो वोट नहीं मिलते इंडिया में, 8 करोड़ तो बीजेपी के मेंबर है, और इतना बड़ा ग्रास रूट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रास रूट लेवल है, मोहल्ले में, गली में, कोचे में, हर जगह है, और इसमें जो जुड़ा वर्कर है, जो जुड़ा स्वयं सेवक का क्या मतलब, वॉलंटियर, मैं आपसे चवन्नी नहीं चाहता, मैं आपसे कोई मदद नहीं चाहता, मुझे किसी पॉलिटिकल पद की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आरएसएस से बीजेपी में नॉमिनेट होते, मोदी जी में नॉमिनेट हुए थे, बट अभी भी कुछ कर लाखों लोग मोदी जी जैसे हैं जो आरएसएस का काम कर रहे हैं, कई लाखों लेडीज होंगी जो अभी भी आरएसएस का काम करती। स्वयं सेवक का मतलब वो होता है आरसू जी, हु डिसाइड्स नॉट टू मैरी, मतलब जो एक इनमें से मुद्दे कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, प्रचारक, प्रचारक है, प्रचारक वो होता है हु डिसाइड्स नॉट टू मैरी। You can be a स्वयं सेवक, but you can have a married life, you can have a family, but अगर आप प्रचारक बनते तो आप शादी नहीं कर सकते, ladies बनती तो वो शादी नहीं करती, वो अपना पूरा कौच है, किसान के विषय में हो, मजदूर के विषय में हो, सेवा भारती में हो,
उसमें लगा देती। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपका आरएसएस के बारे में, सरस्वती शिशु मंदिर एक स्कूलों की चेन है आरजू जी, सबसे बड़े स्कूलों की चेन दुनिया में, जिसमें 32,000 स्कूल है, इसको चलाने वाला कोई और नहीं आरएसएस है। उसमें हिंदू भी आ सकता, मुस्लिम भी आ सकता, सिख भी आ सकता, पढ़ सकता, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं जी आप हिंदू ही हो। आरएसएस कोई कास्ट नहीं मानता, कोई कास्ट नहीं मानता कि भाई ये कास्ट, कोई डिविजन नहीं मानता, सब ह्यूमैनिटी, सब बराबर है। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जो भी मीडिया में है, साइंटिस्ट में है, पॉलिटिक्स में है, ये सरस्वती शिशु मंदिरों से पढ़ के आए, मुसलमान बच्चे भी पढ़ के आते हैं, अपना देश का अच्छा नाम करते हैं। तो एजुकेशन में ये, मेडिकल फैसिलिटीज में ये, अभी आपने देखो कोरोना का कहर बरपा था और आरएसएस के कितने वर्करों ने, कितने गली मोहल्ले कोचों में जो जा जाके लोगों की सेवा की। अब जब वो सेवा कर रहे थे, वो तो ये नहीं पूछ रहे सामने, भाई आप बताओ आपकी, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आपकी आइडेंटिटी क्या, आपकी जात क्या, जो आ रहा था उसकी सेवा कर रहे थे। ये आरएसएस का मूल मंत्र है। आरएसएस केवल ध्वज की पूजा करता, भगवा ध्वज जो होता है उसको वो गुरु मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कहते हैं भाई ये हमारा गुरु है, आप इसकी पूजा करते हैं। और आरएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मदर कंट्री जो मदर इंडिया है, इसको माँ माना जाता है, इसको एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना जाता। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड जिसका ट्रेड हो सकता है, जो आप आधी ले लो आधी में ले लो। हम कहते हैं कि जो आरएसएस में की विचारधारा है, जो भारत माता है, ये हमारी, एक तो हमारी दो माता है, एक तो हमारी अपनी माता है जो हमें जन्म देती है, और एक भारत माता है। मदर एंड मदर कंट्री आर ट्रीटेड सेम, उनका सेम आदर सम्मान है। और ये माना जाता है, आप और मैं, चलिए हम मीडिया में है, बहुत से लोग जो मीडिया में नहीं, आप जो छोटा मोटा योगदान कर सकते, किसी बच्चे को पढ़ा लो, किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर कर लो, कहीं कैंप लग रहा वहां हेल्प कर लो, ब्लड डोनेशन कैंप है, एजुकेशन कैंप है, फ्लड रिलीफ कैंप है, कई तरह के जो सामाजिक कार्य है, जहां जात पात धर्म भेद का कोई वो मतलब नहीं, आप जाके वहां अपनी सेवा करिए। अब मैंने आपको बताया सरस्वती शिशु मंदिर, 32,000 स्कूल, मुझे बताइए दुनिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 32,000 स्कूल चलाती और कॉलेज भी चलाती, यूनिवर्सिटियां भी चलाती। और आरजू जी मजे की बात यह है कि इसमें कोई आरएसएस सर्टिफिकेट नहीं देता 10th 12th की, देर एफिलियेटेड टू, अगर यूपी में तो यूपी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीसी जो हमारे स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं। आप 1,00,000 रुपए महीने के स्कूल में जाए तब भी आपको सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा पार करनी है, आप सरस्वती शिशु मंदिर में जाए तब भी आपको सीबीएसई की परीक्षा पार करके आपको 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर हम ये समाज में मेडिकल, किसान, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब कर रहे हैं, तो इसमें टेररिज्म या वो राष्ट्रवादी या वो हिंदू नेशनलिस्ट वाली वो तो बात ही नहीं आती। पॉइंट नंबर वन। अब इसमें पॉलिटिकल मसला का, पॉलिटिकल मसला आरजू जी सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, 8 करोड़ तो बीजेपी के मेंबर हो गए जी। अब आरएसएस का अगर आप काडर माने, और ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ये कोई कास्ट नहीं मानता, इन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं, ये जिंदगी लगा देते, इन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं प्रचारक प्रचारकों की बात नहीं करता, जो नॉर्मल मेंबर्स है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सेवा के लिए जुड़े हैं। पैसे आरएसएस पैसे तो किसी से नहीं लेता, मैंने कहा गुरु पूर्णिमा के दिन जो मेंबर्स होते, केवल मेंबर्स वो दे सकते जितनी उनकी इच्छा, बात खत्म, और कोई किसी से पैसा नहीं लेता। बहुत सात्विक विचार, बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल रहने वाले लोग हैं ये। अब अगर आप इनकी अब गणित निकाले, 30-40 करोड़ की लोग जब ये जुटते हैं सेल्फलेस, अगर आप एक पॉलिटिकल वर्कर है तो आपकी उम्मीद है कल को जी एमएलसी बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, पर अगर आप स्वयं सेवक है जिसने जिंदगी इस पर लगा दी, प्रचारक नहीं कह रहा मैं, स्वयं सेवक कह रहा हूं जो केवल जुड़ा है, प्रचारक तो पूरी जिंदगी अपनी लिटरली सोहा कर देता है इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, आप जुड़े भी हैं तो आपको कोई उपेक्षा नहीं है। जब तक वो भारत माता को भारत माता माने, जब तक वो नेशन फर्स्ट की बात करें, जब तक वो सबके डेवलपमेंट की बात करें, आप उनसे जुड़े हैं। अब ये जो कार्डर जुड़ता है, अक्रॉस कास्ट जुड़ता है, अक्रॉस रिलीजन भी जुड़ता है, इससे लगता है बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों को डर। अब राहुल गांधी जी आप देखेंगे शुरू से कहते हैं आरएसएस आरएसएस आरएसएस, एक बहुत धारणा बनाई गई। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी से या कांग्रेस के जितने नेता, आपने उन्हीं को सुना होगा सब कहते हुए, क्योंकि उन्हें आरएसएस से डर लगता है, जो इसकी 30-40 करोड़ वाली स्ट्रेंथ है, जो 30-40 करोड़ वाला या 50 करोड़ वाला, उसका ज्यादा भी मेरा एक अनुमान है, ये जो लोग इनके साथ इस विचारधारा के साथ जुड़े इससे डर लगता है, अक्रॉस रिलीजन जुड़ते हैं, अक्रॉस कास्ट जुड़ते हैं, डर लगता है इससे। और अब ये जो स्वयं सेवक मोदी जी जैसे स्वयं सेवक ऊपर आते हैं बन के, अब बताइए मोदी जी दुनिया के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल लीडरों में भी गिने जाते, किसी भी सर्वे को उठाइए, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3, मुझे बताइए मोदी जी से बड़ा फकीर कौन है देश में, उनके पास कुछ नहीं है। जब गुजरात के सीएम थे 56 लाख रुपए जमा थे, जब सीएम छोड़ दिया बोले भाई ये जो स्टाफ था ये ले लो, अपनी बेटियों की शादी कर लेना, उनकी माँ तो अब भी उनके भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती, मीडिया देखता, अब की बार वोट देने ऑटो में गई थी, सबने देखा, और कोई भाई भतीजा चाचा मामा कोई कुछ नहीं है, जो पैसा आता है थोड़ा वो दो लोगों में डांट देते हैं, बताइए मोदी की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं कंप्लीट करूंगा आरजू जी,
अब जब इस तरह के लोग राजनीति में आते हैं तो बहुत से लोग को डर लगता है, बहुत से लोग की नींद उठती है भाई, अगर ऐसे लोग आए अब क्या करो, उसको बोले जी ये है वो है। मैं ये दो दो आखिरी सेंटेंस बोलूंगा, आरएसएस तो 95 साल से, ये जो कुछ विद न्यू निविया नेचुरली, कितने आपने आरएसएस के लोग पकड़े, कितने बम बंदूक आरपीजी हैंड ग्रेनेड कितने पकड़े आपने? चलिए आपने नहीं पकड़े, अब भी कुछ स्टेटों में आपकी आपकी सत्ता पकड़ी है, बताइए कितनों को आपने पकड़ा? चाहे इंडिया में नहीं पकड़ते जो 156 कंट्रियों में वो भी सो रहे हैं क्या? वहां भी मोदी जी का दबदबा चलता है क्या? क्या 156 कंट्रियों की इंटेलिजेंस पुलिस मोदी जी से ऑर्डर लेती है क्या? ये सब राजनीतिक धारणाएं आरजू जी, इसको बनाया इसलिए जाता है ताकि आप ये जो फोर्स है इसको किसी तरह से तोड़ा जाए, बिकॉज बीजेपी और आरएसएस और इसके मोर्चे मिला के यू कैनॉट हैव अ मैचिंग पॉलिटिकल कार्डर। आपके पास मैचिंग पॉलिटिकल कार्डर नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्या करो, उनके कार्डर को सेंध लगाने की कोशिश करो। अब नियाजी साहब पे आते हैं, अब नियाजी साहब ने बोल दिया कि आरएसएस की विचारधारा, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये निमंत्रित करूंगा, सर आप जरा आरएसएस के बारे में पढ़िए, आपको किस जनरल ने किस कर्नल ने क्या समझाया मुझे नहीं पता, अगर आप 2-4-6 घंटे एक आध दिन निकाले, गूगल पे जाए पढ़ ले, फैक्ट फिगर डाटा देख ले, मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं हूं, पर आप खुद देखे, खुद अध्ययन करें और पढ़िए कि जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना, जब आप और मैं पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले की ऑर्गेनाइजेशन है 156 कंट्रीज में क्या क्या सोशल वर्क करती है। बाकी आपको एक जुमला कसना है भाई, एक पॉलिटिकल बयान देना, उससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, पर आरजू जी ग्राउंड पे देखा जाए ऐसी कोई धारणा ऐसी कोई सच्चाई है नहीं। मैंने अपना तर्क रखा फैक्ट फिगर डाटा के साथ, अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं मैं आपके सामने माफी मांगने को तैयार। नहीं बिल्कुल सुमित, और हम ठीक से नहीं। तो मुझे ये जाती है जिस चली गई और ये लोगों को मारते आपने आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फास्टिंग दिस। देखिए क्या होता है, पहले यहाँ एक डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलती थी। मैं डायरेक्ट बात करूंगा, हिंदू वोट को बांटा जाता था कास्ट पे, जी आप ब्राह्मण इसको वोट करेंगे, क्षत्रिय इसको वोट करेंगे, बनिए इसको वोट करेंगे, ये कास्ट इसको वोट करेंगे, ऐसे राजनीति चलती थी। मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन पे कांग्रेस ने इतने साल राज किया, ये यहाँ चलता था। फिर मंडल कमीशन आया और कास्ट के सब कास्ट बढ़ गए, जी ये यादव ये कुर्मी ये एक्स वाई जेड, कुछ साल ऐसे चले। अब धीरे धीरे बाद में जब ये हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ, जिसमें एजेंडा था डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड नेशनलिज्म, इंडिया फर्स्ट और डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये दो मुद्दे हैं मोदी जी के, आप जानते हैं डेवलपमेंट पर इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये जब कंसोलिडेट हुआ तो इससे काफी राजनीतिक ताने बाने हिल गए मैडम, बहुत राजनीतिक ताने बाने हिल गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया आरएसएस डज नॉट बिलीव इन कास्ट, कोई कास्ट का नहीं है। अगर आप इंडिया में मान लीजिए रहते हैं, आप भी आरएसएस की मेंबर बन सकते, अपना मीडिया का काम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप बनिए। तो जब आरएसएस कास्ट में बिलीव नहीं करता, और अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास 30-40-50 करोड़ लोग स्वयं सेवक हो, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ समाज की सेवा करना चाहते हैं अपनी दिनचर्या में होते हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन से एक पैसे की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि जितनी उनकी क्षमता एक साल में एक बार जाके ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी से दान नहीं लेती, किसी कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेती, किसी एनजीओ का पैसा नहीं लेती, किसी से कुछ नहीं लेती, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेती। अब ये जुड़ गया और 8 करोड़ वर्कर जुड़ गए तो हो गए 50-60-70 करोड़ का आंकड़ा। अगर मेरे पास एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे पास 70 करोड़ लोगों की फॉलोइंग है या 50 करोड़ लोगों की फॉलोइंग है जो मेरे विचार से जुड़े हैं और ये फॉलोइंग बढ़ रही है, तो जो कांग्रेस से कई सारी पार्टी, उनका राजनीतिक भविष्य रहता क्या, बचता क्या? अब मैं आपको मैच तो कर नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं, मैं सेंध लगाऊं, मैं बोलूं देखो जी ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये है, मैं इनको बोलूंगा 95 साल से आपको आज पता लगा भाई साहब, आपकी 65 साल में हुकूमत थी, कितने आतंकवादी पकड़े, कितनों को फांसी के तख्ते पे लटकाया, कितने आरपीजी, कितने क्लाश्निकोव, कितने मोर्टार, कितने रॉकेट पकड़े। चलो जी आपने नहीं पकड़े, अभी भी तो कुछ स्टेटों में आपकी सत्ता है, पकड़िए दिखाइए दुनिया को। चलिए आप तो जी शर्म कर गए, ये जो 156 कंट्रियों में ये प्रेजेंट है उनमें से कितनों ने पकड़ा है, MI6 भी मोदी से इन्फॉर्मेशन लेता है, CIB मोदी से इन्फॉर्मेशन लेता है, KGB भी मोदी से डरता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अब ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलाया जाता है आरजू जी, जब आपके